लेट सपोज आपसे कहा जाए कि 849 और 463 को ऐड करिए, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले 9+3 हो जाएगा 12, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 को ऊपर कैरी चला देंगे। अब 6+4+1 होगा 11, तो 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 को ऊपर कैरी चला देंगे। इसी तरीके से 1+8+4 होगा 13, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1312। ये होता है नॉर्मल एडिशन, लेकिन अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके इनको ऐड करेंगे तो 2 सेकंड में ही हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मल एडिशन करते समय हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स हमसे ये कहती है कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए। हमें पता है कि 8+4 12 होता है और 4+6 10 होता है, तो हम 10 को एक नंबर छोड़कर लिख देंगे कुछ इस तरीके से। 9+3 होता है 12, इसको भी हम एक नंबर छोड़कर लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और लास्ट में हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1312, और यही होगा हमारा आंसर। हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें 576 और 969 को ऐड करना है, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5+9 होगा 14, 7+6 होगा 13 और 9+6 होगा 15। हमें इनको एक एक नंबर का गैप छोड़कर लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है, और लास्ट में इनको ऐड कर देना है तो हमें मिलेगा 1545। एडिशन करने का एक और आसान तरीका वैदिक मैथमेटिक्स हमें सिखाती है। जैसे मान लीजिए हमें 545, 279 और 473 का सम फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इन तीनों नंबर्स को ब्रेक कर देंगे। जैसे 545 को ब्रेक करके हम ले सकते हैं 500+40+5, राइट? ऐसे ही 279 और 473 को भी ब्रेक करके लिखा जा सकता है। अब इनको ऐड करना पहले से काफी आसान हो गया है। 500, 200 और 400 को मिलाकर हो जाएगा 1100। 40, 70 और 70 को मिलाकर हो जाएगा 180। और 5, 9 और 3 को मिलाकर हो जाएगा 17। 1100 में 180 को ऐड करने पर आएगा 1280। और 1280 में 17 ऐड करने पर आएगा 1297। और यही हमारा आंसर बनेगा। अगर आपका दिमाग काफी शार्प है तो आप इसका आंसर मेंटली ही निकाल सकते हैं, आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए हमें 987 में से 469 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक करके लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे 900-400 होगा 500, 80-60 होगा 20, और 7 में से 9 जाएगा तो आएगा -2। 500+20 होगा 520, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 518, और यही हमारा आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिना नंबर्स को ब्रेक किए आंसर और भी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे हमें 137 में से 49 को माइनस करना है, तो हमने ये देखा कि 49 50 के बहुत ज़्यादा पास है, और किसी भी नंबर को 50 से माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो हम 137 को 49 की बजाय 50 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 87, और 87 में 1 को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 137 को 49 में से माइनस करना था, जबकि हमने 50 में से माइनस कर दिया, जो कि 49 से एक ज़्यादा होता है, इसीलिए लास्ट में हमने 1 को ऐड कर दिया। तो ये थी वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स, जिनका यूज करके आप और भी जल्दी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।